हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल हेल्थ ब्यूटी ट्रीट में। फ्रेंड्स, बालों को अच्छा कलर देने के लिए आप काफी सारे प्रोडक्ट यूज करते हैं, डाई का इस्तेमाल करते हैं, जिससे आपके बालों को कलर तो मिल जाता है बट बालों की रौनक खो जाती है और बाल कमजोर होकर टूटने लगते हैं। लेकिन आज मैं आपको बालों में डाई करने का एक ऐसा उपाय बताऊंगी जो बिना साइड इफेक्ट के आपके बालों को अच्छा कलर देगा, हेयर ग्रोथ करने में हेल्प करेगा और साथ ही बालों को इतना शाइनी एंड स्मूथ बना देगा कि आपको अपने बालों में ऑयलिंग भी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करते हैं। पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और पास में जो बेल आइकन है उसको भी दबा दीजिए ताकि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूँ उसकी नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। तो फ्रेंड्स, इस रेमेडी को बनाने के लिए हमारा पहला इंग्रेडिएंट है मेहंदी पाउडर। मेहंदी बालों को रंग देने के साथ साथ मोटा, घना और चमकदार बनाने का काम भी करती है। तो मेहंदी पाउडर आपने एक बाउल में 2 से 3 चम्मच लेना है। सेकंड इंग्रेडिएंट है आंवला पाउडर। आंवला पाउडर भी आपने सेम क्वांटिटी में 2 से 3 चम्मच लेना है। आंवला पाउडर बालों की हेल्थ के लिए अच्छा होता है, जहाँ ये बालों को मजबूत बनाकर ग्रोथ करने में हेल्प करता है, वहीं ये बालों को शाइनी और स्मूथ बनाने में भी हेल्प करता है। थर्ड इंग्रेडिएंट है 4 से 5 चम्मच योगर्ट यानी दही। दही एक मॉइस्चराइजर है जो बालों में ड्राइनेस को खत्म कर डैंड्रफ को दूर करती है और दो मुहे बालों को खत्म करती है। तो लास्ट इंग्रेडिएंट आपने इसमें ऐड करना है बीट रूट जूस यानी चकुंदर का रस। फ्रेंड्स, चकुंदर का रस आपने इसमें इतना ऐड करना है जितने में ये एक रेमेडी बनकर तैयार हो जाए। फ्रेंड्स, जहाँ बीट रूट जूस बालों को हेल्दी बनाकर बढ़ाने का काम करता है, वहीं ये बालों को कलर देने में भी हेल्प करता है। तो अच्छे से मिक्स करने के बाद आपने इसे अपने बालों में अच्छे से अप्लाई करना है और 1 घंटे के लिए ऐसे ही छोड़ देना है। 1 घंटे बाद जब ये ड्राई हो जाए तो आपने अपने बालों को वॉश कर लेना है। फ्रेंड्स, वॉश करने के बाद रिजल्ट आप इंस्टेंटली देख पाएंगे कि आपके बालों में कितना अच्छा कलर आ गया है और शाइन भी कर रहे हैं। तो अगर आप परमानेंटली अपने बालों में अच्छा कलर लाकर उन्हें शाइनी बनाना चाहते हैं तो आप इसे मंथ में 3 से 4 बार यूज करें। आपके बाल परमानेंटली कलरफुल और शाइनी रहेंगे। सो फाइनली फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आई है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हम आपके लिए और भी नई नई वीडियोस लेकर आते रहें। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।